बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो हीरोइन और विलेन तो हमेशा ही होता है, लेकिन कई बार लोग हीरो से ज्यादा विलेन को याद करते हैं। हिंदी फिल्मों में गब्बर, मोगैम्बो, शाकाल जैसे कई विलेन रहे, लेकिन एक और एक्टर था जो पर्दे पर आते ही लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया करता था। इस एक्टर को दहशत का दूसरा नाम कहते थे। हम बात कर रहे हैं रामी रेड्डी की। रामी ने कभी कर्नल चिकारा बनकर लोगों को डराया तो कभी अन्ना बनकर हीरो को पीटा। 90s में रामी रेड्डी को निगेटिव रोल्स में खूब पसंद किया जाता था। रामी रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। रामी रेड्डी पहले छोटे छोटे किरदार निभाते थे, फिर एक दिन एक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी तो इनको विलेन के रोल में काम दिया। विलेन बनकर रामी रेड्डी पूरे फिल्म में छा गए। उसके बाद रामी रेड्डी को विलेन के रोल्स मिलने लगे और दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। रामी रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि वो भले ही फिल्मों में विलेन का रोल करते थे, मगर असल जिंदगी में काफी बेहतरीन इंसान थे और सबसे प्यार करते थे। लेकिन रामी रेड्डी अपने रोल को इतने शिद्दत से निभाते थे कि लोग उनसे असल जिंदगी में डरने लगे थे। रामी रेड्डी ने करीब 250 फिल्मों में काम किया था। रामी रेड्डी का फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था, काम की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान असल जिंदगी में बेहतरीन इंसान होते हैं, भगवान उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे रामी रेड्डी, इलाज में जब उनका सारा पैसा खत्म हो गया तो बॉलीवुड में मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने मदद तक नहीं किया। एक बार जब वो मीडिया के सामने आए तो लोग उन्हें पहचान तक नहीं पा रहे थे। उनके शरीर में सिर्फ हड्डी दिख रही थी। बीमारी से लड़ते लड़ते 2011 में रामी रेड्डी दुनिया को अलविदा कह दिए। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि रामी रेड्डी के आखिरी समय में उनसे मिलने बॉलीवुड से कोई नहीं आया। दोस्तों, अगर आप भी रामी रेड्डी के एक्टिंग के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको रामी रेड्डी की एक्टिंग पसंद थी या नहीं।